पालक पनीर बनाने के लिए ये मैंने ली है 1 किलो पालक, इसे धो लिया है, अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये 100 ग्राम पनीर लिया है, ये एक बड़ा टमाटर लिया है, इसे कट कर लिया है, एक प्याज लिया है, और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे लंबा लंबा करके काट लिया है, 2 ग्रीन चिली ली हैं, एक बड़ा जिंजर का स्लाइस लिया है, और 3 लहसुन लिए हैं गार्लिक। ये ऑयल लिया है हमने, ये 1/4 टीस्पून मैंने रेड चिली ली है, ये टर्मरिक पाउडर लिया है 1/4, और सॉल्ट हम स्वाद अनुसार लेंगे, ये 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर, और ये 1 चम्मच घी लिया है, ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नहीं भी डालना चाहे तो भी चलेगा। ये हमने पानी बॉईल करने रख दिया है पालक के लिए, हम इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे और हम इसमें करीब 1 स्पून नमक डालेंगे। इसमें जब बॉईल आ जाएगा फिर हम इसमें पालक ऐड करेंगे और गैस बंद करके इसे ढक देंगे। पालक को हमें इसमें उबालना नहीं है, अदरवाइज अगर हम इसमें पालक को उबालेंगे तो उसके सारे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं। तो हम अब इसमें एक अच्छे से बॉईल आने का वेट करेंगे और फिर इसमें पालक डाल देंगे। जितनी देर में हमारा पानी गर्म होता है और बॉईल होता है उतनी देर में हम मसाला बना लेंगे। ये प्याज मैंने डाल दिया है सारा मिक्सी में, उसके साथ में ही हम टमाटर डाल देंगे, और ये जो 2 चिली ली है ग्रीन चिली, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, और 3 लहसुन लिए हैं वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। ये हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। ये पानी में हमारे बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें ये पालक डाल देंगे। ये पालक हमारी सॉफ्ट हो गई है, अब हमने इसे मिक्सी में डाल दिया है और इसे ग्राइंड कर लेंगे। पैन रखेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे। अभी ऑयल डालने के बाद हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें ये प्याज टमाटर और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया है वो डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये मसाले डालेंगे, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। अब हम इस मसाले को तब तक पकने देंगे जब ये ऑयल छोड़ने लगेगा, तब तक पकाएंगे। ये हल्का हल्का तेल ऊपर आने लग गया है, अब हम इसमें ये पनीर डाल देंगे। पनीर को 2-3 मिनट तक इसमें रहने देंगे और उसके बाद इसमें हम जो हमने पालक को बॉईल करके उसको ग्राइंड किया था वो ग्रेवी वो डाल देंगे इसमें। हो गए हैं 2 मिनट के करीब, अब इसमें ये पालक की ग्रेवी डाल देंगे हम। मिक्स करेंगे इसे हम। थोड़ा सा पानी डालेंगे, और अब इसे पकने देंगे हम। 5 से 10 मिनट लगेंगे इसे पकने में। इसमें ग्रेवी थोड़ा थिक होने लगी है, अब हम इसमें ये 1 चम्मच घी डाल देंगे।
ये हमारा पालक पनीर बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हमने गैस बंद कर दिया है, अब इसे सर्व करेंगे। पनीर सर्व करने से पहले, पालक पनीर सर्व करने से पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे पैन में, और जो हमने ये अदरक के बड़े लंबे लंबे कतरे काटे थे वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इनको सौते कर लेंगे। ये हमारा पनीर बनके तैयार हो गया है, और इसके ऊपर से हम ये बनके तैयार हो गई है हमारी पालक पनीर। और ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। प्लीज़ इसे घर पे ट्राई करें और लाइक करें इस वीडियो को।